नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। आप देख रहे हैं दाकड़ है हरियाणा। लघु सचिवालय पर यहां जिस युवक की हत्या हुई है उसकी डेड बॉडी यहां रखी गई है और पूर्व विधायक रामकिशन फौजी जी, पूर्व मंत्री जी यहां पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं, इस बारे में कुछ जानकारी देंगे। विधायक जी नमस्कार। ये इस तरह की जो भवानीखेड़ा थाने में घटना घटी है और भवानीखेड़ा थाने के जो पुलिसकर्मी उन पर आरोप लगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो परिवार के जो लोग हैं उनके साथ जो जाति की है यातनाएं दी है, उसके लड़की की माँ थी जिसकी डेथ हुई है, मुझे सुनने में आया है, मुझे पता लगा है, उसके साथ मारपीट की है, उसके भाई के साथ मारपीट की है, उनको गलत हिरासत में रखा गया है। इससे बड़ी जाति कोई हो नहीं सकती और इसमें जितनी भी कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसने भी जो ये घरौना काम किया है, और फिर दूसरा उस लड़के की हत्या करना, और कल से आज तक डेड बॉडी पड़ी है रोड के ऊपर, उसको न्याय ना देना, इससे बड़ा इस सरकार के लिए और इस प्रशासन के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं इतनी बात कहूँगा, हम इस परिवार को, इन बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे, चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े। जिसने जुल्म किया उसको सजा दिलाएंगे। ये बात भी सुनने में आई है कि परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनसे जो अवैध हिरासत में लोग रखे थे उनको छोड़ने के लिए भारी पैसे भी उनसे लुटे हैं, गरीब आदमी हैं, भैंस बेचकर पैसे दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी है उस पर वो मुकदमा भी करना चाहिए, 302 का मुकदमा भी होना चाहिए जिसने गलती लड़के की डेथ की है। तो वहाँ सारा प्रशासन है, जहाँ ये जिस कोठरी में रखा गया वहाँ पूरी चौकी होती है, चौकी के अंदर ड्यूटी होती है, ड्यूटी के अंदर जो हिरासत में रखे जाते हैं वहाँ बाकायदा वहाँ लोहे के सरिये के वो होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और जिस भी प्रशासन के अधिकारी जो हैं उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो पैसे लिए हैं उन्हें, जो परिवार के सदस्य हैं उसकी इंक्वायरी कराई जाए, अगर ऐसा हुआ है तो उनको भी सजा मिलेगी। ये भी सुनने में आया कि दुष्यंत चौटाला ने SHO को, SP को फ़ोन करके कहा कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अधिकारियों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग जो बात कह रहे हैं इससे बड़ी और घिनौनी हरकत नहीं हो सकती, हम इनसे क्या ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम मजबूत हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे, चाहे कोई भी हो न्याय दिला के रहेंगे। हम संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष करना हमारे पूर्वजों ने किया है और उसने अगर ऐसा किया है तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। चाहे कितना बड़ा कोई मंत्री हो, संतरी हो, प्रशासन का अधिकारी हो, जिन्होंने इसी लड़के के साथ या हमारे बच्चे के साथ जो जाति की है उसको हम न्याय दिलाएंगे और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस मुद्दे पर? देखिए, इस पार्टी की बात नहीं है, इसमें पार्टीबाजी की बात की बात है। मैं एक भाईचारे के नाते, भवानीखेड़ा का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आया हूँ और मैं इस परिवार के साथ हूँ, नाजायज किया है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया कानून कार्रवाई करनी चाहिए उस पर, जो भी कुछ हुआ है। लेकिन ये ऐसा होना मुझे, मैं नहीं समझता। मैं आज कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, आज जो है हम ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है, हम इसलिए आए कि एक परिवार के लोग हमारे यहाँ रोड पे बैठे कल से और पसा उनकी बात नहीं सुन रहा। मैं खुद बीमार था कई दिनों से, मैं आखिरी उठ के जब आया हूँ कि भाई चलना पड़ेगा अब तो, अरे जब तक 302 का सजा इनको मुकदमा दर्ज नहीं होगा जिन्होंने ये काम किया है, और वहाँ पूरे थाने की ट्रांसफर होनी चाहिए भवानीखेड़ा की, और जो भी दोषी है उनको अधिकारी अभी तुरंत मुकदमा दर्ज करें, उन पर कानून कार्रवाई करें और हमारा इन लड़के को न्याय मिलना चाहिए। अगर परिवार के साथ, उसकी माँ के साथ, जो जिसकी 75 साल उम्र है, उसको मारपीट की है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और तफ्तीश होगी तो सामने सारी बातें आ जाएंगी। प्रदेश में आए दिन शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार होता है और सरकार चुप रहती है, क्या कारण है? कारण का तो लोगों ने पता है, जो भी कारण है, मैं आज इस बात हमारी जो इस जो हत्या है इसके ऊपर कोई राजनीति बात नहीं करूंगा, सबको पता है, जब समय आएगा उसका हम बदला भी लेंगे। धन्यवाद।